हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कुसुम होम कुकिंग। तो आज हम बनाने जा रहे हैं खट्टे मीठे आम की लौंजी की रेसिपी। गर्मियों में जब आम का सीज़न आता है तो हम कई तरह की रेसिपी बनाना शुरू कर देते हैं। उन्हीं में से एक रेसिपी आम की लौंजी है। ये आम की लौंजी छोटे बच्चे को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, साथ ही साथ बड़े लोग भी बहुत चाव से खाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाया जाता है। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 3 कच्चा आम ले रहे हैं। अभी सबको अच्छे तरीके से धो लेंगे, उसके बाद छील लेंगे। आप चाहे तो नहीं भी छील सकते हैं इसको, हम यहाँ पे छील ले रहे हैं। उसके बाद इसको इस तरीके से कट कर लेंगे। इसको चारों तरफ से छोटे छोटे पीस में काट लेंगे अच्छी तरीके से। आप यहाँ पे एक कढ़ाई ले लेंगे और इसको अच्छी तरीके से गर्म होने देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा मेथी डालना, थोड़ा सा पीला सरसों डाल देंगे। उसके बाद इसमें सौंफ डाल देंगे थोड़ा सा। अब इसमें 3 सूखी मिर्च डाल देंगे और अब इसको चटकने देंगे अच्छी तरीके से। जब ये अच्छी तरीके से चटक जाए तब जो आम काट के रखे तो वो उसको इसमें डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई कर लेंगे। आम को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ा सा सॉफ्ट कर देना है। तो ये देखिए आम थोड़ा सा हमारा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इसमें 2 कप के लगभग पानी डाल देंगे। उसके बाद इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। उसके बाद इसमें 2 गुड़ के ढेले डाल देंगे। उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक डाल देंगे टेस्ट के लिए। तो अब इसको ढक के 10 मिनट तक छोड़ देंगे। 10 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा लेंगे। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा गुड़ का कमी लग रहा है, तो अब इसमें 1 गुड़ और डाल देंगे थोड़ा सा। उसके बाद इसको फिर से ढक के छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद इसका ढक्कन हटा देंगे। तो चटनी हमारा बन के एकदम तैयार है। आप चाहे तो इसको 1 महीने के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं। तो अगर ये रेसिपी आपको पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।